अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल रहीम है और मैं टाइम्स ऑफ कराची के प्लेटफॉर्म से हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें जो मदीना मुनव्वरा में रखी हैं, और मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ, और यहाँ प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें जो प्लास्टिक पाकिस्तान में जिस तरीके से यूज़ होता है, उसके बाद जो वेस्टेज उसको जो है जिस तरीके से कचरे में फेंक दिया जाता है, और वो फिर उसका रिसाइकिल भी नहीं हो पाता, और वो वहाँ पे कभी समंदरों में, कभी नालों में, कभी किसी जगह पे, तो इस जगह से बड़े नुकसान हो रहे हैं पाकिस्तान को, कराची को ख़ासतौर पर। तो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बहुत सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि लकड़ी के देख सकते हैं कि वो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, लकड़ी के जिसमें चप्पल रखी गई हैं, और इसके पीछे मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं कि ये प्लास्टिक के बैरियर्स बने हुए हैं, और ये बैरियर बन सकते हैं इस तरह के, जो कि मदीना मुनव्वरा में बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और उसको रिसाइकिल करके जो है लकड़ी के जिसमें चप्पल वगैरह रखी जाती हैं वो रखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, और लाइब्रेरियों में जो है बड़ी बड़ी शेल्फ बनाई जा सकती है प्लास्टिक की, ताकि जो है प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाए। प्लास्टिक के ज़रिए बहुत सी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जो वेस्टेज जो होके जो है कचरे में चले जाती हैं। कचरे में फेंकने का उसका नुकसान ये होता है पाकिस्तान में तो ख़ासतौर पर, कराची में तो ख़ासतौर पर, कि वो उसको रिसाइकिल नहीं किया जाता, बल्कि उसको और कई डंपिंग पॉइंट में डाल दिया जाता है, और उसके बाद जो है वहाँ पर जो है उसको ज़ाया कर दिया जाता है। मतलब ज़ाया तो नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं ज़मीन में दफन कर दिया जाता है, लेकिन उसका वेस्टेज का इस्तेमाल कहीं नहीं होता। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे यहाँ मदीना मुनव्वरा में और मक्के में बैरियर हज़ारों लाखों के तादाद में मौजूद हैं। इस तरह से जो है इसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी तैयार की जा सकती हैं जिसको बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन ये बहुत काम का है इसका। तो पाकिस्तान में भी यही होता है, नाले जो बंद हो रहे हैं वो प्लास्टिक की वजह से बंद हो रहे हैं, उनको रिसाइकिल नहीं किया जा रहा, उनको रिसाइकिल करने का निज़ाम नहीं बनाया जा रहा, जबकि निज़ाम दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का मौजूद है, लेकिन उसको जो है उस तरीके से काम नहीं लिया जा रहा। अगर चाइना मांगता है कि हमें प्लास्टिक दे दो, हम उससे पिघला के बिजली बनाएंगे, उसका इस्तेमाल करके हम उसके चीज़ों को तैयार करेंगे, तो आप वो भी नहीं कर रहे, तो ये गलत है, बिल्कुल बहुत बुरा है, बहुत गलत है, क्योंकि इससे जो है इंसानी जान को भी नुकसान पहुंच रहा है, इससे जानवरों, परिंदों, सबको नुकसान पहुंच रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि ये इस टाइप के बैरियर देखें, यहाँ तो तकरीबन जो है 100 के करीब बैरियर रखे हैं, तो इस तरह के जो है 100 पॉइंट्स और हैं यहाँ पर, तो मतलब हज़ारों लाखों बैरियर्स यहाँ पर मौजूद हैं, और इस तरह के बैरियर्स यहाँ पे लगा दिए जाए तो ये ज़िंदगी आसान हो जाएगी, और बहुत आसान हो जाएगा कि बैरियर्स से, प्लास्टिक से, वेस्टेज से बनी हुई प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें तामीर हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बन गई हैं, कुछ घर बनाए जा सकते हैं, उसमें ईंटें बनाई जा सकती हैं, उसकी पता नहीं क्या क्या तामीर किया जा सकता है अगर आप सोचें तो। लेकिन जो है हमारे पास जो है पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें जो है बिल्कुल भी तामीर नहीं की जा रही, बल्कि उनको कचरे में फेंका जा रहा है, उनको नाले में फेंका जा रहा है, उनको समंदर में फेंका जा रहा है, उनको डंपिंग पॉइंट में फेंका जा रहा है, उनको उनकी किसी चीज़, उन सब चीज़ों से किसी चीज़ को बनाया नहीं जा रहा, कोई रिसाइकिल नहीं की जा रही उससे, वरना बनाने को तो बहुत सी चीज़ें बन जाए, लोगों के सस्ते सस्ते मकानात बन जाए, उससे मकानात के साथ साथ घर बन जाए, उनके ईंटें सस्ती सस्ती बन जाए, लेकिन जो है ये सारे काम नहीं किए जा रहे, जो कि बहुत गलत है, बहुत नुकसानदेह हमारे। अल्लाह हाफिज़।